नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, पार्ट वन। छह इमेज फॉर्मेशन से सिक्स, इसमें हम पार्ट वन तीन देखेंगे, दूसरे वीडियो में तीन और थ्री और तीन। पिछले वीडियो में हम कॉन्वेक्स मिरर देखा है इमेज फॉर्मेशन, अब कॉनकेव मिरर। सो स्टार्ट करते हैं। पहला इमेज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी से लाइट रेस आ रहा है। यह कॉनकेव मिरर है ना, यह कॉनकेव मिरर। प्रिंसिपल एक्सिस पोल पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ मिरर, इसको हम पोल कहते हैं। यह फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्पीयर के मिड पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस, नंबर ऑफ रेस, पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो रहे हैं रिफ्लेक्शन के बाद, एक पॉइंट पर मीट हो रहे हैं, उसको हम फोकस कहते हैं। और ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी डिस्टेंस मीन्स वो हमें सर्टेन डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट नहीं, इंफिनिटी से आ रहे हैं। सो पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। फॉर इमेज फॉर्मेशन दो रेस रिक्वायर होना चाहिए, मिनिमम टू रेस। हम दो रेस लिखेंगे इधर, दो रेस। और रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस। ये भी रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, ये फर्स्ट रे, सेकंड रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है। सो पासिस थ्रू फोकस, ऐसा फोकस से पास हो रहा है। दो रेस का इंटरसेक्शन पॉइंट, वही हम इमेज लेते हैं, वहाँ उस पॉइंट को हम इमेज लेते हैं। यहाँ दो रेस इंटरसेक्शन कहाँ, फोकस, फोकस पर वहाँ है। सो इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज एट फोकस। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज एट फोकस। सो हमें अब टेबल लिखना है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट है। पोजिशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बन रहा है, दो रेस का इंटरसेक्शन कहाँ, एट फोकस पर, फोकस। तीसरा है नेचर, नेचर कॉनकेव मिरर में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ही फॉर्म होगा। सिर्फ एक इमेज फॉर्मेशन को, एक इमेज पर वर्चुअल एंड डायरेक्ट, दूसरा फाइव, पांच इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड। सो ये एट फोकस भी रियल एंड इन्वर्टेड होगा। रियल में स्क्रीन रिक्वायर्ड, स्क्रीन उधर रखना चाहिए, रखते ही हमें इमेज दिखेगा। एंड इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्ट मीन्स रिवर्स में दिखेगा, ऐसे इन्वर्टेड। नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका साइज, इमेज का साइज हमें इधर इमेज पॉइंट साइज कर दिखा रहा है, फोकस पर पॉइंट साइज, इसलिए हम पॉइंट साइज इमेज और हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज और हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब शॉर्ट, छोटा। हाईली डिमिनिश्ड इमेज है फोकस पर। ये है पहला ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इमेज एट फोकस। अब दूसरा हम देखेंगे, दूसरा ऑब्जेक्ट हम लेंगे, वो होगा बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ मतलब फोकस। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंगे। ये कॉनकेव मिरर है, पोल पॉइंट, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी और एफ, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट है, वो कुछ हाइट के है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी हम नहीं कह सकते इधर। तो
ऑब्जेक्ट हम ऐसे लेंगे, ये है ऑब्जेक्ट ओ ओ डैश, ओ ओ डैश इज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम इसका रे डायग्राम बनाएंगे, वन रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन पासिंग थ्रू फोकस। हमें कॉनकेव मिरर में चार रूल होते हैं, उसमें किसी भी दो रूल्स लेंगे करेक्ट इमेज ही आएगा, तो मैं फोकस पर ले रहा हूँ। यह है ऑब्जेक्ट से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू फोकस हो रहा है। और दूसरा इमेज हम कहा लेंगे, पोल पर इंसिडेंट हुआ, और ऐसा भी आ सकता है फोकस से ट्रैवल करते हुए पैरेलल भी आ सकता है। हम इसका चार रूल्स उपयोग कर सकते हैं। इधर मैं फोकस पर कर रहा हूँ, इंसिडेंट ऑन फोकस एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर इंसिडेंट हुआ और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कॉनकेव मिरर, फोकस, पोल पॉइंट। हाँ, ये है हमारा जनरल टर्म्स। इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल पॉइंट। ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ, वन रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, सेकेंड रे पासिंग थ्रू फोकस एंड पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इमेज कहाँ बनेगा हमें, इधर इंटरसेक्शन पॉइंट इधर हो रहा है, बोथ का इंटरसेक्शन, दो रेस का इंटरसेक्शन, तो हमें इधर इमेज फॉर्म होगा। इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, कॉनकेव में रियल एंड इन्वर्टेड होगा, इसलिए हमें रियल एंड इन्वर्टेड, ये एरोस एरोस कंपल्सरी है। इधर इमेज हमें देखना है ओ ओ डैश, ऑब्जेक्ट ओ ओ डैश, इमेज आई आई डैश, आई आई डैश इज द इमेज बिटवीन सी एंड एफ। हमने ऑब्जेक्ट लिया तो इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी। हम अब टेबल लिखेंगे, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ पोजिशन ऑफ इमेज कहाँ हो रहा है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी इमेज फॉर्म हो रहा है। इसका नेचर, नेचर कॉनकेव मिरर में रियल एंड इन्वर्टेड है, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड। उसका साइज, साइज इनलार्ज हुआ ना इधर, ये ऑब्जेक्ट छोटा है मगर इमेज सब थोड़ा बड़ा है, इसलिए हम एनलार्ज लेंगे, एनलार्ज इसका साइज होगा, साइज ऑफ द इमेज, इमेज ही हम एनलार्ज लेंगे। इमेज ऑब्जेक्ट वो छोटा ही है, कितना साइज है हमें हाइट नहीं पता इधर। अब तीसरा वाला, ये सेकंड वन ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तीसरा वाला हम अब देखेंगे। इसका ऑब्जेक्ट एट सी होगा, एट सी, ये बिटवीन सी एंड एफ है, अब एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी कॉनकेव मिरर में, ये कॉनकेव मिरर प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है,
इसका मिड पॉइंट ऑफ मिरर पोल फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट एट सी, मतलब सी पर ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बन रहे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द फोकस। दूसरे है रे हम पोल पर ले सकते हैं और फिर फोकस पर ही ले सकते हैं, फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ट्रैवलिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कॉनकेव मिरर है, ऐसा इमेज आएगा रे पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इधर दो रेस का इंटरसेक्शन हो रहा है वो हम ऐसा करें एट सी ना, ऑब्जेक्ट एट सी इमेज आल्सो एट सी इधर, तो हम इसका टेबल लिखेंगे। अब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहा एट सी पर पोजीशन ऑफ इमेज है, इमेज ऑब्जेक्ट दोनों सेम पर आ रहा है इधर, ऑब्जेक्ट एट सी इमेज एट सी, साइज इज सेम साइज एट सी है और इमेज भी एट सी हो रहा है, सो इसका साइज सेम है सेम साइज सेम साइज इसका है। अब नेचर, इसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इसका नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड। इसमें हम क्या क्या देखे, तीन रे डायग्राम देखे, ये पार्ट वन है ना, हम फिर ऑब्जेक्ट वो सब देखेंगे। एक टेबल लगाएंगे तीन इमेज फॉर्मेशन को, ऑब्जेक्ट इमेज इसका, इसमें हम तीन देखे हैं ना, तीन पहला है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी है तो इमेज एट फोकस आएगा फोकस। दूसरा वाला ऑब्जेक्ट एट बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट है इसलिए हमें इमेज बियॉन्ड सी दिखेगा, इमेज बियॉन्ड सी और ये तीन रियल एंड इन्वर्टेड है बियॉन्ड सी। और तीसरा वाला एट सी, एट सी इमेज भी एट सी ओनली, इमेज भी एट सी इसका ये टेबल है इन्फिनिटी बिटवीन सी एंड एफ एट सी ऑब्जेक्ट का पोजिशन, और दूसरे वीडियो में हम पार्ट टू देखेंगे।